जातीय शिक्षक पुरस्कार 2023 विजेता मानंकु भेटिछन्ते प्रधानमंत्री मोदी लोक कल्याण मार्गस्थित तांको बासभवन रे 82 जन जातीय शिक्षक पुरस्कार विजेतांको सहित कथा होइछन्ते पीएम मोदी। आलोचना रे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मध्ये शामिल। शिक्षा दान अभिज्ञता एवं शिक्षण को अधिक आकर्षण करबा पई सेमानंक द्वारा ग्रहण करा जाइथिबा अभिनव कौशल विषय रे होइछ आलोचना। छात्र छात्रिन को विभिन्न भाषा सह परिचय करबा पई विभिन्न भाषा रे स्थानीय लोक कथा सिखाइबा को शिक्षक मानंकु प्रधानमंत्री परामर्श देइछन्ते। प्रधानमंत्री कहितले जे शिक्षक माने सेमानंक छात्र छात्री मानंकु भारतर विविधता अनुसंधान करबा पई शिक्षागत गस्तरे नेइ परिबे जहा सेमानंक शिक्षण रे सहायक हेब एवं सेमानंकु सेमानंक देश विषय सामग्रिक भावे जानिबारे मध्य साहाय्य करिबो। एहा पर्यटन को प्रोत्साहित करबा सह स्थानीय अर्थनीति को मध्य प्रोत्साहन देबो बोली से कहिछन्ते। भारतर विविधता अनुसंधान पई शिक्षक माने छात्र छात्री को शिक्षागत भ्रमण रे नै परिबे। आपने कभी सोचा कि जब आप संस्कृत भाषा के प्रति उनको आकर्षित करते हैं उसके द्वारा उसको एक ज्ञान के भंडार की तरफ ले जाता है जो हमारे देश में पड़ा हुआ है। क्या कभी इन बच्चों को वैदिक मैथमेटिक क्या है जो एक संस्कृत के टीचर के नाते या कभी आपके टीचर्स के कमरे में टीचर्स के बीच में वैदिक मैथमेटिक क्या है कभी चर्चा हुई होगी? नहीं महोदय, नहीं हुई। इसके बारे में मैं आप कभी कोशिश कीजिए ताकि क्या होगा अगर था कि आप सबको भी काम आ सकता है ऑनलाइन वैदिक मैथमेटिक के क्लासेस भी चलते हैं। यूके में तो ऑलरेडी कुछ जगह पे सिलेबस में है वैदिक मैथमेटिक। जिन बच्चों को मैथ्स में रुचि नहीं होती है वो अगर ये थोड़ा सा भी देखेंगे उनको लगा ये तो मैजिक है, एकदम से उसको मन कर जाता है सीखने का। तो वो संस्कृत से हमारे देश के जितने भी विषय हैं उनसे उनमें से कुछ तो भी परिचित करवाना, वैसा कभी आप कोशिश करें तो। मैं ये बहुत अच्छी आपने बताया महोदय, मैं जाकर बताऊंगी। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।